हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आईटी पैराडाइम पे। आज के इस एक्सेल की नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कुछ इस तरह का एक संबंध चार्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये संबंध चार्ट होता क्या है, इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं या फिर इसकी एक डेफिनेशन क्या है। सो हियर आई हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस चार्ट। अ संबंध चार्ट इज अ चार्ट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ हायरार्कियल फॉर्म ऑफ डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सनबर्स्ट चार्ट यूज करते हैं। अब बात आ जाती है कि ये हायरार्किकल फॉर्म ऑफ डेटा क्या है। इधर बगल में आप एक ट्री देख रहे होंगे जो कि शुरुआत में एक मोटा सा तना है एंड देन ऊपर जाके वो कुछ ब्रांचेस में डिवाइडेड है और वो ब्रांचेस भी आगे जाके और भी ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। कुछ इसी तरह का एक डेटा को हम लोग दिखा सकते हैं एक सनबर्स्ट चार्ट के थ्रू। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा। अगर बात करते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टेंस की, जो टेंस है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर बात करते हैं प्रेजेंट की तो वो चार और पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर अब भी हम लोग बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो वो और भी ज्यादा चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए हर एक पार्ट में से कुछ कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। इसी तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल फॉर्म ऑफ डेटा और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सनबर्स्ट चार्ट के थ्रू। और किसी भी चार्ट के थ्रू हम लोग इस तरह का डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये चार्ट बनाना भी हम लोग सीख लें ताकि हम लोग एक्सेल में महारत हासिल कर सकें। दैट वॉज ऑल फॉर सनबर्स्ट चार्ट। और जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो लगभग सिमिलर होंगे इन ऑल द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन फ्रॉम 2007 टिल 2021। The steps will be similar. अगर आपको कोई doubt आता है in the middle of the video, pause the video and then ask me in the comment box. I will reply to it. और in the last, अगर आपको video ये पसंद आती है तो एक like जरूर करिएगा, क्योंकि ये video लगभग 20-30 takes के बाद ये complete video बन रही है। एक like तो बनता है। और इस video में मैं पहली बार एक target रखने वाला हूँ, that is only 10 likes. I hope हम लोग इस target तक पहुँच सकते हैं। I will be very thankful. So that's all for intro part. Let me take you to my computer screen and let's see how can we create a beautiful sunburst chart in Microsoft Excel. So here I am using Microsoft Excel version 2016, and one more thing I would like to say is that before making this sunburst chart we should have a clear mind map of what we are going to represent. जो भी कुछ हम लोग बनाने वाले हैं उसका एक clear mind map होना बहुत ज़रूरी है। So यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा mind map मैंने बनाया है जिसके center पे है devices और वो तीन parts में divide है, the processing unit, the output and the input. So चलिए अपना data तैयार करते हैं एक sunburst chart बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे devices. So this is the main topic of this chart. अब devices जो हैं तीन parts में divide है, जो कि है input, output and processing. तो सबसे पहले हम लोग एक branch को complete करेंगे जो कि है input. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ input. And input को भी मैंने तीन part में divide किया है जो कि है microphone, mouse and keyboard. यानी कि input devices के मैंने तीन example यहाँ पर लिए हैं. So the first is microphone. So इसका short form mic. अब इसी के नीचे क्योंकि माइक्रोफोन के साथ माउस भी है तो हम लोग यहाँ पे माउस लिख देते हैं। अब आप देखिए मैंने इस माउस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि है ऑप्टिकल, वायरलेस एंड ट्रैक बॉल। तो हम लोग माउस के राइट साइड में जाके इन तीनों पार्ट्स को लिख देंगे। सो द फर्स्ट इज वायरलेस, देन वी हैव ऑप्टिकल एंड देन वी हैव ट्रैक बॉल। यहाँ पे माउस खत्म हो गया। द नेक्स्ट इज कीबोर्ड। अब हम लोग माउस के नीचे जाएंगे जहाँ पे ट्रैक बॉल खत्म हुआ है, उसके माउस के टैब्स खत्म हुए हैं, तो वहीं पे माउस के नीचे जाना है और लिखना है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि है मैकेनिकल एंड मेम्ब्रेन। सो लेट मी राइट हियर मैकेनिकल एंड मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में जो भी डेटा लिख रहा हूँ वो एक बढ़िया से स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सबसे पहले डिवाइसेस, देन उसके राइट साइड में इनपुट, देन इनपुट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, माइक, माउस एंड कीबोर्ड। एंड माउस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज वायरलेस, ऑप्टिकल, ट्रैक बॉल। एंड कीबोर्ड के भी मैंने दो हिस्से किए थे, दैट इज मैकेनिकल एंड मेम्ब्रेन।
इस तरह से हमें हर एक ब्रांच को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट बात ये आती है प्रोसेसिंग यूनिट की। अब प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसको हम लोग इनपुट के नीचे लिखेंगे जहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्पेस है। सो हियर वी हैव प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे इनपुट के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए उसके जस्ट नेक्स्ट पे हम लोग लिखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। एंड देन प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास है सी यू, एम यू एंड ए एल यू। तो इसमें किसी के भी सब पार्ट्स नहीं है, तो इसको मैंने इसको डायरेक्टली एक के नीचे एक लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या है? आउटपुट। सो प्रोसेसिंग यूनिट के नीचे हम लोग लिखेंगे आउटपुट। अब आउटपुट के मैंने तीन पार्ट्स किए हैं जो कि हैं स्पीकर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो सबसे पहले हम लोग स्पीकर लिखेंगे। अगर स्पीकर के भी कोई और पार्ट होता तो हम लोग उसे स्पीकर के बगल में पहले लिखते और उसके बाद मॉनिटर पे जाते। तो स्पीकर का यहाँ कोई फिलहाल पार्ट नहीं है, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मॉनिटर। अब अगर चाहें तो हम लोग मॉनिटर के पार्ट्स लिख सकते हैं, जैसे कि LED, LCD, OLED एंड CRT। तो मैंने यहाँ पे जो मॉनिटर के हैं उसके चार पार्ट दे दिए हैं। अब जहाँ CRT ख़त्म हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे हम लोग लिखेंगे प्रिंटर, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइसेस का एक पार्ट है। और प्रिंटर को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट इज इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। सो आवर डेटा इज नाउ रेडी। हमारा डेटा जो है पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसमें हमें थोड़ी सी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, क्योंकि कभी भी कोई चार्ट हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें नंबर्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना नंबर्स के कोई भी चार्ट कंप्लीट नहीं होता है। सो एक प्रॉपर सब डिवीज़न बनाने के लिए हम लोग को सिमिलर नंबर देना है सारे सेल्स में। जैसे कि जहाँ से मैंने डिवाइसेस स्टार्ट किया था उसके सामने से लेकर यहाँ नॉन इम्पैक्ट तक हमें देना है कोई भी एक सिंगल नंबर। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ 1 और इसी को ड्रैग डाउन कर दूंगा आखिरी तक, यानी कि जहाँ तक हमारा डेटा फैला हुआ है उसके सबसे लास्ट वाले सेल में हम लोग सेम नंबर पूरे में दे देंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है सबके बराबर बराबर टुकड़े बटेंगे, और इसको बाद में मैं समझाता हूँ। सो डेटा इज़ रेडी। किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करिए। नाउ गो ऑन इंसर्ट टैब, रिकमेंडेड चार्ट एंड देन क्लिक ऑन दिस ऑल चार्ट। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सनबस्ट चार्ट, लिस्ट में लास्ट फिफ्थ ऑप्शन, दैट इज सनबस्ट चार्ट। सो हियर वी हैव अवर चार्ट। क्लिक ऑन ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिलीट दिस माइंड मैप एंड डिलीट द चार्ट टाइटल एंड लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस चार्ट। ओके, नाउ अवर चार्ट इज हियर। इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में जो है एकदम खाली जगह पे है। एंड देन वी हैव डिवाइसेस द फर्स्ट सर्कल एंड वी हैव हियर 3 पार्ट्स। आई होप इट इज विजिबल। द फर्स्ट इज प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड इनपुट। अब अगर आपको हर एक पार्ट का कलर चेंज करना है देन क्लिक ऑन दिस आउटपुट, अगेन 1 क्लिक ऑन आउटपुट। अब देखिए आप आउटपुट वाला जो हिस्सा है वो केवल सिलेक्टेड है। अब इसका हम लोग आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके फिल पे जाके कोई भी कलर आप पिक करिए, कलर जो है चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं चाहूँ तो इनपुट का भी कलर चेंज कर सकता हूँ। क्लिक ऑन इनपुट, अगेन क्लिक ऑन इनपुट एंड 1 मोर क्लिक ऑन इनपुट। सो इससे जो है इनपुट के सारे ब्रांचेस जो है सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक, फिल पे जाके हमें कलर चेंज कर देना है। नाउ दिस चार्ट इज लुकिंग ब्यूटिफुल। इसके अलावा हम लोग सारी इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें फिल के और भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द चार्ट और राइट साइड में आपको फिल के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यू कैन यूज एनी ऑफ द फिल। आप इसमें चाहें तो पैटर्न फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट या फिर पिक्चर, टेक्सचर, कुछ भी फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो हर एक सब डिवीजन का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर हर एक ब्रांच का, या फिर ओवरऑल चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इस चार्ट को कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल। एक बार और देख लेते हैं इस तरह के इसका डेटा। लेट मी डिलीट दिस चार्ट एंड हियर वी हैव द डेटा।
एक बार फिर से नज़र डालते हैं इस पर। तो सबसे पहले मैंने लिखा था डिवाइसेस एंड देन वी हैव इनपुट, एंड देन इनपुट का पहला पार्ट था माइक, देन उसके नीचे मैंने माउस लिखा क्योंकि माइक का ही एक सब ब्रांच, उसका एक तरह से कलीग पीयर था माउस, और उसी के तीन पार्ट फिर मैंने उसके राइट साइड वाले सेल में। यानी कि अगर हमको ब्रांच जो है डिवाइड करनी है तो हम लोग राइट साइड में लिखेंगे, अगर उसी ब्रांच के साथ वाला कोई पार्टिसिपेंट है तो हम लोग उसके नीचे लिखेंगे। सो इस तरह से हम लोग ये इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट का सनबस चार्ट बनाए। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक और सनबस चार्ट बनाया है जिसमें मैंने साइंस, SST और इंग्लिश तीन सब्जेक्ट को साथ में लिया है एंड देन उसके सब पार्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। वन मोर चार्ट इज हियर, दैट इज वंडरफुल चार्ट। इसमें मैंने टेंस को शो किया है, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देन इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो इस तरह से मैंने पूरा जो भी कुछ था उसमें मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे मैंने जो नंबर यूज़ किया है वो 2 यूज़ किया है। सो बराबर बराबर उसमें पार्ट्स हुए हैं, क्योंकि आप सबसे लास्ट वाले सर्कल में देखिए तो सबके जो हैं बराबर बराबर टुकड़े हुए हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अगर मैं किसी एक टुकड़े का जो नंबर है चेंज कर देता हूँ, लेट्स सी 2 से मैं कर देता हूँ लाइट 50, तो देखिए कहीं ना कहीं चेंज आएगा। ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट जो है बहुत बड़ा हो गया है, उसने बहुत जगह घेर ली है। सो इसलिए आई रिकमेंड टू गिव द सेम नंबर इन ऑल द सेल्स। सेम नंबर रहेगा तो सबके बराबर टुकड़े होंगे, किसी को ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, सबको बराबर की जगह मिलेगी। सो दैट वॉज ऑल, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह की ढेरों एक्सेल वीडियो आपको मिल जाएं और आगे भी फ्यूचर में मिलती रहें। हर 2 दिन में आपको एक नई वीडियो मिलेगी एंड आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।